हापुड़ नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद हेतु रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा प्रेस नोट जारी कर हापुड़ नगर से डॉक्टर सोमती केन भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो वहीं सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश राणा विधायक सहित तमाम भाजपा नेताओं के साथ डॉक्टर सोमती केन ने अपने पति सहित नामांकन स्थल SSV इंटर कॉलेज पहुंच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वही मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सोमती केन ने बताया कि पीएम मोदी व सीएम योगी द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर सबका साथ सबका विकास का वादा करते हुए विकास कार्य व सुशासन के बल पर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करूंगी और जीत के बाद शहर में रिकॉर्ड तोड़ कार्य करने का दावा किया। जिस विश्वास के साथ उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, उस विश्वास को वह कायम रखेंगी। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। शहर में अभी विकास की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नामांकन करने के दौरान भाजपा जिला उमेश अध्यक्ष उमेश राणा सदस्य नामांकन करने के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा सदर विधायक विजय पाल आढ़ती जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा मुंशीलाल जयंत समेत अनेक कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। देखिए हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की ये खास रिपोर्ट।